सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल मूलतः उस चैनल का नाम है जो कि आपके लिए प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध करवाता है, जो प्रामाणिक सामग्री के बारे में बताते हैं। पूर्ण होशो हवास में एक ऐसा ज्ञान जो कि आपको लाभ दे, आपकी कठिनाइयों को दूर करे, और सुख समृद्धि विज्ञान यानी कि आपके सुख और समृद्धि की चिंता करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्क के बारे में, यानी कि आंख के बारे में, जिसको आप मदार भी कहते हैं। कहीं अकौवा कहा जाता है तो कहीं अकौड़ा कहा जाता है। इस संबंध में मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अर्क के बारे में भी हमने कुछ आपको बताया है। आज इस वीडियो में आप देखें और सुने कि आँख कितना फायदेमंद है। प्रिय मित्रों, विशेषतः दो प्रकार के आँख हम देखते हैं समाज में। यह अर्क अर्थात मदार तांत्रिक रूप से भी पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मदार सूर्य का पौधा है, तो सूर्य की कमजोरी या सूर्य से जिसको कष्ट हो रहा हो तो मदार के पौधे पर यदि वह जल अर्पित करता है या उसको दीपक इत्यादि देता है तो आध्यात्मिक मान्यता है कि उसके कष्टों में कमी आती है, सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। हमारे नवग्रह विज्ञान को और जो ये वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्र की पूजा इत्यादि जो पूजाएं हैं, इनको कुछ लोग कह सकते हैं कि अंधविश्वास। परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय वाङ्मय में इनको विशिष्ट महत्व दिया गया है। कहीं केले की पूजा की जाती है तो कहीं शमी वृक्ष की पूजा की जाती है इत्यादि, कहीं पीपल की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। तो हम भारतवासी सनातनी हिंदू हर जगह ईश्वर के दर्शन करते हैं। अब अगर इसमें आप किसी प्रकार की अगर दुर्भावना से या हंसी उड़ाने के उससे अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ वही समझ में आएगा। परंतु यदि वास्तव में आप अध्येता हैं तो इनको करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। इस आँख के दो प्रकार हैं, एक सफ़ेद आँख जिनमें सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं और एक लाल जिनमें बैंगनी रंग के, लाल या बैंगनी रंग के फूल आते हैं। दोनों ही बहुत लाभकारी हैं और इनके पत्तों को तोड़ने पर या इनके फूलों को तोड़ने पर इनमें से दूध निकलता है, यानी दूध जैसा पदार्थ निकलता है। और इनका जो फल होता है उसमें छोटे छोटे से बीज होते हैं और उनमें बहुत सारा रुई जैसा लगा होता है जिसकी मदद से वो बीज उड़ते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको पहचान सकें। गांवों में जब ये उड़ते हैं बीज अपनी उस रुई के साथ में तो लोग बुढ़िया कहते हैं उसको, बच्चे पकड़ने को दौड़ते हैं। और ये प्रकृति की अतीब एक व्यवस्था है कि वो बीज उड़कर के स्वयमेव
किसी नए स्थान पर उगने के लिए पहुंच जाता है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम कैलोट्रोपिस रोसेरा इसका नाम है। भारतीय नाम तो हर जगह पर अलग अलग तरीके से हैं, जहाँ जैसा प्रदेश वैसे नाम थोड़ा बहुत अंतर के साथ में, पर मुख्य रूप से इसे लोग आर्क ही कहते हैं। आर्क की जड़ में जो श्वेतार्क की जड़ में गणेश जैसी प्रतिमा बनकर के निकलती है वो पूज्य मानी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से नेपाल की गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम जी को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थरों से निर्मित शिवलिंग जो होते हैं उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके कुछ औषधि गुणों की ओर चलते हैं। अगर आक की जड़ को लेकर के थोड़ी मोटी हो और उसको आग में भून ली जाए, इतनी भून ली जाए कि जले ना, उसकी दातून करने से दंत पीड़ा का नाश होता है। अगर आग